नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई-लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा आपके सबसे महत्वपूर्ण बीमा क्षेत्र में बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को संरक्षण प्रदान करना, विदेशी कंपनियां भी भारत में आके व्यवसाय कर सकते हैं, इसके लिए बीमा क्षेत्र में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इस गठन के विषय में इसे हम बीमा क्षेत्र के सुधार के रूप में देखते हैं, जिसके लिए रिटायर्ड गवर्नर श्री मल्होत्रा जी ने एक 1994 में भारत सरकार के द्वारा उनकी अध्यक्षता में मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया, जिस गठन के क्षेत्र में 99 में इन्होंने अपने सुधार के संबंध में सारी चीजों को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की, जिसे पार्लियामेंट द्वारा 19 अप्रैल 2000 को पास कर दिया गया। तब से भारत में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसे हम IRDA कहते हैं। यह 19 अप्रैल 2000 को पूरे भारत में लागू हो गया, जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के LIC जीवन बीमा या जनरल इंश्योरेंस सभी कंपनियां इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। इसकी प्रथम हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में बनाई गई, 2000 में इसकी हेड ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में किया गया, जिसके 10 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 5 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। कुल मेंबरों की कार्यकाल ड्यूरेशन 5 ईयर होता है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे, फंक्शन ऑफ दी IRDA। IRDA का फंक्शन सेक्शन 1499 में दिया गया है, जिसकी कुछ चीजों को हम संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहेंगे। या मैंने बार बार आपको बताया कि कंपनियों को संरक्षण करता है, बीमा होल्डर को संरक्षण करता है, प्रत्येक कंपनी प्रत्येक बीमा करने वाले व्यक्ति दोनों में विश्वास रखने के लिए यह कायम होता है। फर्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, रिन्यूअल करना, मॉडिफाई करना, सजेशन देना, यह IRDA का कार्य। प्रोटेक्शन ऑफ दी इंश्योरेंस कंपनी एंड होल्डर्स, कंपनी को भी सुरक्षा प्रदान करती है, उसके साथ साथ यह पॉलिसी होल्डर को भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट या सर्वेक्षण करने वाली कंपनी के मूल्यांकन कर्ताओं के लिए एक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट एक रूल्स निर्धारण करती है, एक गाइडलाइन का निर्धारण करती है, जिस पर कंपनी उसी गाइडलाइन पर चलती है। प्रमोट द इंश्योरेंस ऑफ द बिजनेस, प्रत्येक कंपनी के इंश्योरेंस को बीमा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों में कार्य करने के लिए कहती है, और हर व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ हो इसलिए उन्हें प्रेरित भी करती है। लीगल फीस एंड चार्ज, इसके द्वारा जो भी चार्ज बनती है वह IRDA निर्धारित करता है, वह इन्वेस्टमेंट के रूप में आप IRDA के यहाँ जमा कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ दी मार्जिन अमाउंट, IRDA ने रेगुलेशन की एक निश्चित मिनिमम दर निर्धारित की है जो कंपनियों को उनके यहाँ जमा करनी पड़ती है। सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे रूरल सेक्टर या सोशल सेक्टर के अंतर्गत या ध्यान दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, या बार बार IRDA के द्वारा यह दबाव बनाई जाती है कि भारत गांव का शहर है, पॉपुलेशन 70% लगभग गांव में रहती है, तो हमारे इस सुविधा का लाभ
प्रत्येक किसान पुअर पर्सन चिट्ठी विषय में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ द इंश्योरेंस, मैंने डिटेल्स आप वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हो। वहां प्रत्येक व्यक्ति को बीमा क्षेत्र से जोड़ने का कार्य IRDA के द्वारा किया जाता है। रोल ऑफ द IRDA, IRDA की क्या भूमिका है, या कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के साथ यदि कोई पॉलिसी होल्डर किसी भी कंपनी से कोई शिकायत है तो वह पत्राचार के माध्यम से या डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से उस कंपनी के खिलाफ भी शिकायत IRDA में जाके कर सकता है। डायरेक्शन जिसको देती है या कंपनी, डायरेक्शन आपकी क्षमता का निर्धारण करता है, बिजनेस का इंस्पेक्शन करती है आपके, किसी भी कंडीशन में ऐसा होता है कि बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर में डिस्प्यूट हो जाती है तो यह मिल करके दोनों डिस्प्यूट को सॉल्व करने का कार्य किया जाता है। सेल्फ रिवेशन ऑफ द डे टू डे या स्वयं में निरीक्षण करती है कार्य सामान ढंग से चलते रहे। थैंक यू, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको कोट कोट धन्यवाद कहता हूं। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, किसी कारण से अगर आप शिक्षा से वंचित रह सकते हो, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोचिंगों की जो मॉडल्स फीस नहीं जमा कर सकते हो वो VCOMI लर्निंग एजुकेशन पर आप YouTube चैनल के माध्यम से इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि जो ऐसे बच्चे जो वंचित बच्चे हैं वो इस अपने ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाए, कंपटीशन या अन्य क्षेत्र की शिक्षा में आप अपने आप को और अधिक मजबूत करें, आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। धन्यवाद।